जय हिंद दोस्तों। आज 3 जनवरी सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे काला दिवस पर पूर्व सैनिक प्रेम जी को आज थाने से रिहा किया गया, इस पर बड़ी अपडेट है। ओआरओपी 2 सेना के 3% अधिकारी 97% पेंशन खा गए, मीडिया रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। पेंशन नियम 2021 में बदलाव हुए हैं और ये बड़ा बदलाव है, बता दें फैमिली पेंशन पर ये बदलाव किया गया है, क्या है उस पर बात करेंगे। सिपाही को एमएससीपी हवलदार का लाभ 1370 रुपए, अलग अलग रिकॉर्ड ऑफिस ने जारी किए हैं पीपीओ, इस पर बात करेंगे। एक्स सर्विसमैन की पेंशन कटौती अब होगी शुरू, आईएएस अधिकारियों के हाथों सौंपी गई डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की कमान, इस पर बड़ी अपडेट है। गर्ल्स सैनिक स्कूल में एक्स सर्विसमैन देंगे ट्रेनिंग और रिलायंस गार्ड सिक्योरिटी गार्ड की जॉब निकली हुई है, 45,600 रुपए सैलरी रहेगी, तो बड़ी खबर है। सबसे पहले पहली खबर से बात करते हैं, बता दें रेल रोको आंदोलन करना था, लेकिन उससे पहले जो रेल रोको आंदोलन कर रहे थे पूर्व सैनिक, उनके हेड को पकड़ लिया गया था। बता दें प्रेम जी को आज रिहा किया गया है, आप देख सकते हैं था पुलिस स्टेशन के पास उनको रिहा किया गया है, तो पूर्व सैनिकों ने उनका माला फूल माला चढ़ाकर उनका स्वागत किया और नारे लगाए। बता दें रेल रोको आंदोलन 1 जनवरी को होना था, लेकिन इसको स्थगित करना पड़ा क्योंकि इनकी गिरफ्तारियां शुरू हो गई और गिरफ्तारियों के बाद इसको स्थगित करना पड़ा। अब पूर्व सैनिक नया प्लान बना रहे हैं, बता दें पूर्व सैनिकों का कहना है कि 3 रिटायर्ड जजों की मांग सरकार पूरी नहीं कर रही है, अब हम नया प्लान बना रहे हैं और सरकार को किसी को भी नहीं बताएंगे कि ना तो किसी को ज्ञापन देंगे कि कब रेल रोको आंदोलन होगा, देशव्यापी रेल रोको आंदोलन शुरू होगा। और बता दें कि जब उनको रिहा किया गया थाने से, उसके बाद मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पूर्व सैनिक वहां से निकले। बात कर लेते हैं इसी में, एक और बड़ी अपडेट है कि कुछ पूर्व सैनिक थाने में बंद थे, लेकिन बाहर से भी कई पूर्व सैनिक अलग अलग राज्यों में, आप देख सकते हैं पूर्व सैनिकों ने पट्टी बांधकर काला दिवस मनाया। ऊना में 9 वर्ष के पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और काला दिवस मनाया। बता दें वन रैंक वन पेंशन में करोड़ों ऐसी विसंगति पैदा कर दी गई जिससे कि सभी सैनिक ठगा महसूस कर रहे हैं, और ठगा इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमने 2014 में आंदोलन ऑफिसर के साथ किया था, उसके बाद हमारी वन रैंक वन पेंशन ठीक से लागू नहीं की गई जिससे कि पूरा हिस्सा अधिकारी वर्ग ले गए, 97% हिस्सा ले गए हैं। आपको मैं एक और दिखाता हूं, कैथल में भी पूर्व सैनिकों ने नए साल में काला दिवस मनाया, 1 जनवरी की ये खबर है, आप देख सकते हैं जगह जगह पर पूर्व सैनिकों ने काला दिवस मनाया है। हिमाचल प्रदेश में पूर्व सैनिक ने ओआरओपी विसंगतियों को लेकर काला दिवस मनाया, विरोध प्रदर्शन किया, और आप देख सकते हैं सभी जगह से ये खबरें आई हैं और मीडिया में भी इसमें छाई है। बता दें इसमें ऊना में भी कहा गया कि ब्लैक डे पर पूर्व सैनिक बोले 3% अफसर खा रहे हैं पेंशन, 97% पेंशन खा गए हैं 3% ऑफिसर, 97% जो ओआरओपी का लाभ मिला है वो अधिकारियों को मिला है, केवल 3% जो लाभ मिला है कुछ जवानों को मिला है, बाकी का लाभ पूरा पूरा वन रैंक वन पेंशन का अधिकारियों को मिल गया है। और बता दें इसी वजह से जवानों ने 1 जनवरी को काला दिवस ब्लैक डे के रूप में मनाया है, तो बड़ी खबर ये आई है। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से, पेंशन मंत्रालय ने एक जबरदस्त अपडेट दी है। पेंशन मंत्रालय की क्या अपडेट है, पेंशन नियम 2021 में संशोधन किया गया है, और संशोधन क्या किया गया है आपको बता दें कि जो भी फैमिली पेंशनर्स होते हैं, जैसे उनकी डेथ हो जाती है जो पेंशनर्स होते हैं, उसके बाद उनकी पेंशन फैमिली पेंशन के रूप में चालू कर दी जाती है, या तो उनके वाइफ के लिए या उनके बच्चों के लिए, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। फैमिली पेंशन जो महिला फैमिली अगर है, महिला है वो सरकारी नौकरी कर रही महिला, तो उनके नियमों में बदलाव किया गया है, महिलाओं की अब फैमिली पेंशन सीधा उनके बच्चे भी ले सकते हैं, यानी कि हस्बैंड को ना देकर उनके बच्चे लेंगे, तो ये नियमों में इसलिए बदलाव किया गया है कि क्योंकि कई जगह ऐसा देखा गया है कि महिला जब उसकी डेथ हो जाती है जो सर्विस करती होती है, उसके हस्बैंड दूसरी शादी कर लेते हैं और उनके बच्चों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और आपको बता दें
कि जो पेंशन विभाग है इसने इसमें संशोधन किया है, और संशोधन इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके बच्चे फिर अनाथ घूमने लगते हैं और उसके बाद उनको वो लाभ नहीं मिल पाता है। अब सीधा जो फैमिली, जो महिला अगर कर्मचारी है वो उनकी डेथ होती है तो इसमें ऑप्शन ये दिया जाएगा कि अब जो जेंट्स हैं उनको ना मिलके बच्चों को भी पेंशन मिलेगी। अगर जेंट्स ठीक से रख रहे हैं, दूसरी शादी नहीं कर रहे, तो उनको पेंशन का लाभ बच्चों को के साथ में पिता को भी मिलता रहेगा। अगर पिता उनको देखभाल नहीं कर रहे हैं तो उन बच्चों को पेंशन दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट, इसमें ये सुधार किया गया है। बात कर लेते हैं एक और बड़ी अपडेट से, रिकॉर्ड ऑफिस ने, अलग अलग रिकॉर्ड ऑफिस ने दो पीपीओ जारी किए हैं। दोनों पीपीओ में सिपाही की पेंशन के बारे में कहा गया है। आप देख सकते हैं, एक ये सिपाही रैंक से वाई ग्रुप से 17 साल में रिटायर है, 2021 में 17 साल में रिटायर हुए हैं, सितंबर 2021, और इसी महीने दूसरे रिकॉर्ड के हैं उनकी, वो भी रिटायर हुए हैं, उनका भी मैं पीपीओ दिखाऊंगा। पहले इनकी पेंशन देख लेते हैं, जो 2021 में रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन है 23,138 रुपए, 23,138 है। अब दूसरे जो पेंशनर्स हैं ये सिग्नल रिकॉर्ड के हैं, रिकॉर्ड आरओ सिग्नल रिकॉर्ड जबलपुर, ये भी 2021 नवंबर में एक महीने बाद रिटायर हुए हैं। तो इनकी पेंशन आप देख सकते हैं, इनकी पेंशन मैं दिखा दूं, ये भी 17 साल सर्विस की है, इनकी जो पेंशन है 21,988 रुपए, जिसको अब संशोधित किया गया है, जो कि 22,538 रुपए कर दिया गया है। लेकिन जो 2000 जो दूसरे पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन आप देख सकते हैं, उनकी 23,000 कुछ रुपए है, इनकी अब संशोधित होके 22,538 रुपए की गई है। ये भी नवंबर 2023 के 2021 के रिटायरमेंट है। तो इनकी MACP 2 करके इनको पेंशन तो बढ़ी है, लेकिन इनकी जो रियल पेंशन है अभी भी चालू नहीं हुई है। एक और बड़ी अपडेट है, बता दें अब डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर में IAS ऑफिसर के हाथों में कमांड दे दी गई है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट ऐसा होता है जो कि एक्स सर्विसमैन फैमिली पेंशनर्स इनकी सभी जो मांगे हैं, इनके जो काम है ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन करता है। और बता दें इसमें सक्षम अधिकारी ने आंध्र प्रदेश के कैडर 1988 बैच के IAS अधिकारी अरमने गिरधर को पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव पद पर का अतिरिक्त प्रभार सौंपने को मंजूरी दे दी है, और रक्षा मंत्री ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब जो सैनिकों के फैसले, पेंशन से संबंधित फैसले होंगे वो IAS अधिकारी करेंगे। बता दें कई तरह के ऐसे फैसले हैं जो IAS अधिकारी करते भी हैं, जिसकी वजह से अब ये आशंका लगाई जा रही है कि जो पेंशन है सैनिकों की, और भी इसमें बदलाव होंगे, और भी इसमें चेंजमेंट किया जाएगा, क्योंकि IAS अधिकारी नहीं चाहता है कि सैनिकों को किसी तरह से सिविल से ज्यादा कंपनसेशन दिया जाए, जैसा कि MSP। IAS अधिकारी नहीं चाहते हैं कि MSP सैनिकों को दी जाए, अगर MSP सैनिकों को दी जाती है तो पुलिस को भी दी जाए, ऐसा इनका मानना है। अब IAS अधिकारी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर में तैनात हो गए हैं, अब क्या ये ऐसे फैसले लेंगे तो ये भी आगे देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से, वृंदावन में शुरू हुआ है पहला बालिका सैनिक स्कूल, इसमें 120 लड़कियां बेटियां पढ़ा करेंगी। और बता दें इसमें प्रशिक्षण जो देंगे ये पूर्व सैनिक प्रशिक्षण देंगे, और ये अभी इसका उद्घाटन हुआ है, और जल्द ही इसमें वैकेंसी भी निकलेंगी, जो ट्रेनिंग देने के लिए जो सैनिक होंगे पूर्व सैनिक इसमें ट्रेनिंग दिया करेंगे। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें रिलायंस बॉम्बे हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट है 4 एक्स आर्मी सिक्योरिटी गार्ड की, 12 घंटे ड्यूटी रहेगी, 26 दिन सैलरी जो रहेगी 42,000 रुपए प्लस 3600 PF अलग से कटेगा, यानी कि लगभग 46,600 रुपए सैलरी रहेगी। इसमें रहने का खाने का आपको 2500 रुपए अलग से देना होगा। इसके बाद सेफ वन होना चाहिए, एग्जेम्पलरी करेक्टर होना चाहिए, 45 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए, और 10th पास होना जरूरी है। ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, बॉम्बे में रिलायंस में जॉब चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा मौका है। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।